जो रातों रात आप 317 डाल देते हो, रातों रात आप नोटबंदी कर देते हो, ये डेली वेजर का जो मसला है ये तो बहुत बड़ा मसला है। आप इनका हक क्यों नहीं दे रहे उनको? डेली वेजर का नेता ही उनका सर साथ नहीं दे रहा, वो खुद जाके एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता बन जाता है। जरा पॉलिटिकल पार्ट सुनिए, सब बात सुनिए ना। जब सर SRO 520 सरकार कोशिश सरकार ने बनाया, SRO 520 कोशिश सरकार 380 केस टोटल निकले, SRO 520 है क्या? ये तो मान जी को तैयारी करके आना चाहिए डिबेट पे SRO 520। कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको होमवर्क करना है। आज तक यही पहले पक्का नहीं था कि डेली वेजेस हैं कितने। सर इतने सालों का होमवर्क चल जाएगा, लोगों की जिंदगियां निकल जाएंगी। सर क्या बात करते हैं सर आप, और तत्ता पढ़ देंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर में हम। तनवीर जी आपसे एक सवाल पूछूं, तनवीर जी बिल्कुल पूछिए। ये आम आदमी पार्टी का नेता बोल रहा है या लोगों का डेली वेजर्स का नेता बोल रहा है? आपके राज में सब इंस्पेक्टर बदतमीज हुए पड़े हैं जिनको बात करने का ढंग नहीं। लड़कियों से लड़कियों को बोलते हैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे तो तुम काम काम कर रहे, ये मतलब आपने अपने बाप का राज बना के रखा है। फिर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी अपनी पावर एक्सीड करता तो उसमें आप भाजपा को वो लाइबल नहीं ठहरा सकते। सर सर कभी सर उस डेली वेजर के पास जाके पूछिएगा जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है, उसकी जेब में पैसे भी नहीं है, उसकी जेब में दे रहे हैं आप लोगों के नेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। तो असेंबली में जाके उनकी पॉलिसीज बनाएंगे, उनकी पैलेसेस भी बनाएंगे। लेकिन आज आपने लोगों के हक से बात से ज्यादा आम आदमी पार्टी की बात कर दी, पंजाब की कर दी, अरविंद केजरीवाल जी की कर दी, जो रोज सुबह उठकर हमारे घर तक पानी पहुंचाता है, जो रोज सुबह उठकर हम तक तमाम सुविधाएं पहुंचाता है ताकि हमारी हमारा जीवन जो है वो आसान हो सके। पर ना तो उस डेली वेजर को उसका डिपार्टमेंट को इज्जत देता है, ना तो उस डेली वेजर की जेब में पैसे हैं। उस डेली वेजर की जेब में है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ तमाम मेहमान आज बात करने के लिए हैं। हमारे साथ तनवीर हुसैन जी हैं जो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के इस समय प्रेसिडेंट भी हो रहा, आम आदमी पार्टी के नेता भी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ साहिल लंगर जी जो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ हमारे साथ भी यहां पर मानिक वजीर जी हैं जो भाजपा का पक्ष रखेंगे। सबसे पहला सवाल मानिक जी मैं आपसे पूछूंगा, 2014 में एक आप लोगों की एक ललकार रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा आप हमें सरकार में लाइए, हम आपके जो जितने भी कैजुअल लेबर्स हैं उन सबको परमानेंट कर देंगे। उसके बाद VDC की बात करें, पंचायत चुनाव की बात करें, हर जगह पंचायत से लेकर के बात करूं केंद्र तक आपकी सरकार है, सर अभी तक इस पर निर्णय क्यों नहीं लिया गया? जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, उन्होंने ही द मैन ऑफ हिज वर्ड, उन्होंने जो चीज बोली है वो होके रहेगी। लेकिन हमें इस चीज की बैकग्राउंड में जाना बहुत जरूरी है। कैजुअल वर्कर्स जिनको हम बोलते हैं डेली वेजर्स, JNK में बहुत सारे विभिन्न जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें देर इज अ बल्क ऑफ ऑलमोस्ट 60,000 और कहीं जो ये है ऑफिशियल फिगर, और अनऑफिशियल फिगर है कोई नियर अबाउट 1 लाख। ये बल्क कितना हुआ कैसे, पहले चीज़ ये हमको देखनी पड़ेगी। ये ऐसे हुआ कि जो सक्सेसिव गवर्नमेंट थी जस्ट टू अपीज देयर पोलिटिकल कैडर वो क्या करते कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस उन्होंने जॉब के नेम पे लोगों को डेली वेजर लगाया ना। उस सर आप भी तो उन्हीं का फायदा लिए जा रहे हैं, पिछले कितने सालों से आप भी तो उन्हीं डेली वेजरों का वो क्या फायदा लिए जा रहे हैं? हमने क्या फायदा लिया उनका, आप बताएं। अभी गवर्नर अभी 12,000 को PDD डेली वेजर्स को अपॉइंट सर तो क्या लगता है ऐसा तो क्या लगता है एहसान कर दिया PDD डेली वेजर्स को? भी एहसान नहीं किया बिल्कुल। आपके पास 12,000 से जो कार्यक्रम जो शुरू हुआ है ये यहीं पे खत्म नहीं होगा, एक मुहिम शुरू हुई है। मैं पूछना चाहता हूं जो आज ये लोग सवाल लेके आ रहे हैं उन्होंने पिछले 25 साल में क्या किया, 1996 से ये डेली वेजर इसको लगाना शुरू की है, उस टाइम पे कभी किसी को रेगुलराइज किया गया या इनकी कोई कंडीशंस ड्रॉ की गई कि या इनको मिनिमम अमाउंट इनसे इतना ठीक है सर आप ठीक है मैं आता हूं आपके पास। ठीक है साहिल जी आप पे कह रहे हैं कि कई सारे भाजपा के नेता भी यही कहते हैं कि पुरानी सरकारों के पाप है, आप क्या कहेंगे साहिल जी इस पे? देखो जी कांग्रेस ने एक इनिशिएटिव लिया, UPA की सरकार थी सेंटर में और कांग्रेस ने ये इनिशिएटिव डेली वेजर्स के फेवर के लिए ही लिया, डेली वेजर्स को एक रोड मैप बनाया। आजाद साहब हमारे मुख्यमंत्री होते थे उस टाइम पे और आजाद साहब ने इनिशिएटिव लिया, सारे MLA मेंबरान बैठे आपस में, चाहे कोलिजन पार्टी थी हमारे साथ अलायंस में थी, ऐसी
हम सब ने ये फैसला डेली वेजेस के फेवर के लिए लिया, एक रोड मैप स्टार्ट किया। अब हमको थोड़ी पता था 2014 में चुनाव आ के आप सेंटर में भी बैठ जाओगे, सर केवल ये रोड मैप था आपका। देखिए रोड मैप तनख्वाहों के साथ में आप देखो, मैं आपको क्लियर करूंगा। उस टाइम पे बहुत से डेली वेजर पक्के भी हुए। आज आप पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जितने डेली वेजर पक्के, आज के डेट में देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ मेरी बात सुनो बताइए आज जो डेली वेजर पीडब्ल्यूडी महकमे में काम कर रहा है या पीएचई दफ्तर में काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के बाद पक्का हुआ है, वो कांग्रेस ने किए। आज भाजपा सेंटर में भी पावर में है, जम्मू कश्मीर में भी पावर में है। सर जितने हमने किए किए, भाजपा की पावर की बात करेंगे सर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आता हूँ सर, आप ही के पास आएंगे, आप ही के मुद्दे हैं सर, आप ही लोग नहीं कर रहे, आपके पास आता हूँ। मानिक जी एक पॉइंट चलिए बोलिए, ज्यादा इनको इंटरप्ट नहीं करूंगा। आपने कहा आपने उनको रेगुलराइज किया, क्या आपने अपॉइंटमेंट का कोई प्रोसेस इनिशिएट किया उनका? हमने उस टाइम पे जैसा नहीं देखिए उनको डेली एक मिनट मतलब आपने उनको डेली वेजर का डेली वेजर ही रहना दिया, ना ही आपने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई कि डेली वेजर। सर मैं सर कितने साल तो आप जवाब देने क्या किया आपने आपने चलाई लाठियां, आपने पता क्या किया आपने पूरी तरह से मारते हैं ना, जैसे कि गली के कुत्ते को कोई पागल कुत्ते को मारता है, ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने लाठियां चलाई डेली वेजर्स पे। आज लेडीज हैं उनको गले से खींच के लिया जाता है। रुकिए तनवीर जी भी हमारे साथ है ना, वो भी डेली वेजर है, उनसे पूछ लेते हैं वो क्या कहते हैं। तनवीर जी आप भी तो डेली वेजर है, आपको क्या लगता है कि भाजपा की गलती है कांग्रेस की गलती है? देखिए सबसे पहले तो मैं बहुत थैंक्स करता हूँ कि इस इम्पॉर्टेंट को इशू को आज आपने डिस्कस अपने चैनल पे किया, इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत थैंक्स हूँ। देखिए ये आज डिबेट या लड़ने की आज यहाँ जो हम बहस जो कर रहे हैं, इससे बेस्ट था कि एक रोड मैप होता, आज इस पर डिस्कस करते हम कि किस तरह जो हमारे लोगों की जाने चली गई हैं, जो हमारे लोग परिवार जब ईद आती है, जब दिवाली आती है, हमारे घरों में किस तरह बच्चे रोते हैं, हमने आंखों ने वो चीज़ें देखी है, हम उस चीज़ से निकले हुए हैं। जहां तक बात करूं 2014 की, जो आपने मानक जी से क्वेश्चन किया या वजीर साहब से जो आपने बात रखी, 2014 में जब यहां पर कोलिशन सरकार थी, उस टाइम उन्होंने कहा कि हमको 61,000 कैजुअल लेबर्स का अप्रूवल भी हुआ और उन्होंने कहा हमको हम रेगुलाइज करेंगे, हमने उसका वेलकम किया। 2014 में मैं खुद हंगर स्ट्राइक पे अपनी टीम के साथ चीफ इंजीनियर ऑफिस बैठा और 15 दिन मैंने भूख हड़ताल वहां पे की, और उस टाइम के मंत्री श्यामलाल शर्मा जी और वो जब यहां से कश्मीर के अंदर गए और वहां जम्मू से ये कह के गए कि अब जो है जो डेलीवर जो पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर या बाकी डिपार्टमेंट के अंदर है, इनको एक खुशखबरी मिलेगी, इनको रेगुलाइज किया जाएगा, हम जो है इसके लिए पॉलिसी मैटर हमने फाइल किया और कैबिनेट में जाके सिर्फ डिसीजन लेना है। और वहां जब गए तो जो सुनने में सोर्सेज जो ये कह रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर जो अब्दुल रहीम रातर साहब थे, वो कह रहे हैं कि 2000 बंदा मेरे डाल दो, उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं 2000 बंदा मेरे डालो, तीसरा पॉलिटिकल पार्टी के सर आप लोग भी इतनी लंबी एजिटेशन लड़ रहे हैं, आपको नहीं लगता आपने इतने सारे गुट बना लिए, आप लोग तो खुद में ही लड़े जा रहे हैं कि मैं प्रधान बनूंगा इस एसोसिएशन का, मैं एसोसिएशन का, कभी ये नहीं लगता कि जो डेली वेजर के नेता हैं वही उन लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वही उनके खिलाफ चल रहे हैं? देखिए सर नेता कहीं भी किसी को गुमराह नहीं कर रहे, मेरी मुझे उस बात पर आने दो, आप ही सर आप ही सर एक मिनट अब आप आम आदमी पार्टी का दामन नहीं थामा क्या? मैं उसमें आऊंगा ना, उस आम आदमी पर आम आदमी पे क्यों गया वो भी उस चीज पे आऊंगा मैं। मेरी बात ये सुनिए कि देखो डेमोक्रेसी है, कोई गुट बना सकता है, आपने आप मीडिया हब खोला कल को और कोई मीडिया हब खोल सकता है, इसलिए डेमोक्रेसी आप अपना चीज चला सकते हैं, उस समय किसी को रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात यह है जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनियन फट एक ऐसा फ्रंट जम्मू कश्मीर के अंदर है जिसने यहां के डेलीज की लड़ाई लड़ी और आवाज बन के यहां से लेके दिल्ली तक पहला ऐसा बड़ी बात आ गई ना, आवाज पहुंचा आप बोल रहे हैं। दूसरी बात आप लोग खुद अपने आप लोग सर डेली वेजर का नेता ही उनका सर साथ नहीं दे रहा, वो खुद जाके एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता जरा पॉलिटिकल पार्ट सुनिए, सब बात तो सुनिए ना, वहां तो पहुंचने दीजिए। और जब ये फैसला 2014 में हुआ और उस टाइम ये हो गया कि श्यामल शर्मा जी का ये बनाया बयान आया कि जिस तमाम पार्टियां पर भी लोग जो कह रहे हैं कि डालो हमने इनको क्विट कर दिया, हम नहीं करेंगे, और वो इस्तीफा दे के वापस आए। और एक रोज था जम्मू कश्मीर, देखो जम्मू कश्मीर कोई लहरा शहरा नहीं चलती है, और मेरे पास डॉक्टर निर्मल सिंह जी आए, मेरे पास यहाँ जो स्पोक्स पर्सन जो सुनील शेट्टी जी वो आए, मेरे पास अभी पिक्स वहां पे मौजूद हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर कांग्रेस और एनसी ने आपको धोखा दिया है, हमारी सरकार आपके लोगों को रेगुलाइज करके आप हमें सपोर्ट दीजिए। ठीक है सर, मानिक कांग्रेस पूछते हैं, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस से पूछ ले, कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस से गलती की, ठीक है, आजाद अंदर एमएलए हमारे घर बैठे हैं, लेकिन भी जुम्मन थी भाजपा की जिन्होंने ये अपने हाथ लिया कि हम जी इसको रेगुलाइज करेंगे, लेकिन आज 25 साल 30 साल गुजरने के बाद
मुझे बताइए कुछ लोग हमारे डेथ हो गई है, कहीं के बाजू कट गए, आज भी उस पर आज 20 साल हो गए और आज भी अगर हम ये कहेंगे हम कर रहे हैं ठीक है हम अच्छे दिन ला रहे हैं, अच्छे दिन कब आएंगे? आऊंगा आपके पास सर, साहिल जी का टेक लेते हैं। साहिल जी आप पे आरोप है कि आपकी सरकारों ने शुरुआत की। देखिए मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने शुरुआत की, रोड मैप बनाया और उस पावर के अंदर जब तक कांग्रेस की सरकार थी उसमें हमने कहीं पक्के भी किए, मैं बोल तो रहा हूं आपको। तो सर जो आज ये बोल रहे हैं जो भाजपा आरोप लगाती है, भाजपा वाली, मेरी बात सुनिए, जैसे आपने अभी बोला, अभी हमारे साथी ने बोला कि माननीय मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी ने ललकार रैली में बोला कि हमारी सरकार बनते ही हम पहला काम जो करेंगे वो डेली वेजेस को पक्का करेंगे। आज 2014 से लेके आज 2022 चल रहा है, ढाई तीन साल की इन्होंने पावर का लुफ्त लेके सरकार गिरा दी। अब आप सेंटर के नीचे लगे हो, जो रातों रात आप 317 डाल देते हो, रातों रात आप नोटबंदी कर देते हो, ये डेली वेजर का जो मसला है ये तो बहुत बड़ा मसला है। आप इनका हक क्यों नहीं दे रहे हो उनको? और इनका आपको मिनिमम वेज पता है कितना है? मिनिमम वेज सुन लो कि इतना दिहाड़ी जो बाहर से यूपी वाले उनसे कम है। मानिक जी क्या लगता है आप बोलने दीजिए, मानिक जी सुनिए ना, आपकी सरकार चली 2014 में, यही साहिल जी बोल रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री ने कहा सबसे पहला काम हम ये करेंगे डेली वेजरों को परमानेंट करेंगे, अभी तक आपका कितना समय बीत गया सर? आप कहते हैं पुरानी सरकारों के बारे में, अब सुने 2014 में जब यहाँ पे कोएलिशन गवर्नमेंट बनी, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया गया, उसके तहत भाजपा कटिबद्ध थी, भाजपा ने पूरी कोशिश की कि डेली वेजर्स को परमानेंट किया जाए, प्रोसेस भी इनिशिएट किए, लेकिन उस टाइम पे जिस टाइम 2017 में ऐसे कुछ कंडीशंस बने कि गवर्नमेंट को भाजपा के लिए कोएलिशन में रहना नामुमकिन हो गया, क्योंकि जो हमारे कोएलिशन पार्टनर थे उनकी कोई ऐसा एजेंडा था ही नहीं, दे जस्ट वॉन्ट टू लिंगर ऑन द मैटर। सर आपने अब आप बोलते हैं, अब सुने आप पूरी बात चलिए बताइए, आज के टाइम में 12,000 जो डेली वेजेस को परमानेंट करने की जो मुहिम शुरू हुई है ये कोई एंड नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग। कोई भी चीज अगर स्टार्ट करनी है उससे पहले आपको होमवर्क करना है, आज तक यही पहले पक्का नहीं था कि डेली वेजेस हैं कितने। सर इतने सालों का होमवर्क चल जाएगा, लोगों की जिंदगी निकल जाएंगी सर, क्या बात करते हैं सर आप इसमें। सर सर कभी सर उस डेली वेजर के पास जाके पूछिएगा जो अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता है, उसकी जेब में पैसे भी नहीं है, उसकी जेब में दे रहे हैं आप लोगों के नेता सिर्फ और सिर्फ आश्वासन। इसमें आप हमें जिम्मेवार कैसे ठहरा सकते हैं? वी आर डूइंग अवर लेवल बेस्ट और ये कौन जिम्मेवार है सर? कौन जिम्मेवार हम करके रहेंगे? तो सर कौन जिम्मेवार है बताइए ना। मैं आपको जो शुरू से बात बोल रहा हूँ कि जिस टाइम डेली आपने रेगुलर एम्प्लॉयज की जगह डेली वेजेस को अपॉइंट करना शुरू किया, सर साफ शब्दों में बताइए जिम्मेदार कौन है? सर जब आज सर डीडीसी के इलेक्शन हुए, एक मिनट, डीडीसी इलेक्शन हुए तो मैनिफेस्टो में रखा गया कि आप डिलीवर आप हमें वोट दिए, हम डिलीवरी के पॉलिसी बनाएंगे, डिलीवर ने एकजुट होकर प्रचंड बहुमत जो है डीडीसी इलेक्शन में यहाँ पे दिया। उसके बाद जब मारी जी बात कर रहे हैं कि हमें पता नहीं कि ऐसा और अभी हमारे पास कोई होमवर्क ही नहीं है, होमवर्क नहीं है, नहीं बोला कोलिशन सर, कोलिशन में कोलिशन का एसआरओ 520 निकला, एसआरओ एसआरओ 520 सुन लेते ना, मानिक जी का सुन लेते ना, रुकिए ना एक मिनट, मानिक जी का सुन लेते, मानिक जी का तबियत क्या होगा आपके पास? दिस इज जस्ट सर एसआरओ 520 सरकार कोलिशन सरकार ने बनाया, एसआरओ 520 कोलिशन सरकार 380 केस टोटल निकले, बाकी केस क्यों नहीं निकले? क्यों सरकार तो हमारी नहीं थी? तन्वीर जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मानिक जी सवाल पूछे, तन्वीर जी से क्या सवाल पूछ रहे थे आप? सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं कह रहा हूं एसआरओ 520 है क्या? ये तो मान जी को तैयारी करके आना चाहिए डिबेट पे, एसआरओ 520 नहीं नहीं, देखो एसआरओ 520 एसआरओ 520 आपकी सरकार कोलिशन में पीडीपी और बीजेपी भाजपा ने बनाया, जिन लोगों ने अपनी जमीनें किसी पॉलिसी के लिए जिसमें 15 साल जिसको उसको 15,000, जिसके 10 साल की उसकी 10,000 सैलरी, ये टूटा फूटा सारो पर हमने बोला, हमने वेलकम किया, ठीक है आपने जो भी दिया करो दिया, उसमें भी सिर्फ 300-400 लोग वो लोग हुए जो कहीं ना कहीं कनेक्ट किसी पार्टी के साथ थे, लेकिन आम मजदूर इस वक्त आज आप देखिए सांस लांग एरिया में बर्फ है, कुछ क्यों केसेस वर्क केसेस क्यों नहीं निकले? उन लोग परमानेंट हुए जो किसी ना किसी पार्टी के साथ थे, बिल्कुल कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा, बाकी क्यों नहीं हुए? अगर कनेक्शन पार्टी के साथ ही अगर आप कैसे हुए फिर कैसे हुए, बाकी क्यों नहीं हुए? फिर बात समझ के आवाज उठाने के कोई इलाज नहीं है, प्रत्यक्ष क्यों नहीं हुए? आप क्या जो लेबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक मिनट प्लीज, टिकट टेक लेंगे उसका, साहिल जी के पास चलेंगे। आप कैजुअल लेबर आप कहते हैं कि आप कैजुअल लेबर की नुमाइंदगी करते हैं और उसी में आप डिस्टिंक्शन कर रहे हैं कि ये आदमी इनके साथ है, ये आदमी उनके साथ है, दिस मीन देयर इज सम पॉलिटिकल हिडन पॉलिटिकल एजेंडा बिहाइंड। देखिए मैं एक बात बोलूंगा,
पहली बात तो ये है कि बड़ी शर्म की बात आती है कि हमारे भाजपा का जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा नेता नहीं है या इतनी क्षमता नहीं रखता जो राज जो ये डेली वेजर्स है, जो ये लाठियां खा रहे हैं, जिनको मारे चल रही हैं, इनके हक के लिए कोई डिमांड उठाए। आज जुगल जी थोड़े दिन पहले जाके लोकसभा में बोलते हैं कि सर ये जम्मू कश्मीर डेली वेजेस का बहुत बड़ा मसला है, ये अपने हक की लड़ाइयां लड़ रहे हैं, साथ में ये भी तो बताएं कि हमारी सरकार उन पर लाठियां भी चला रही है। इस चीज के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के जम्मू, खासकर जम्मू प्रांत, क्योंकि जम्मू प्रांत की पार्टी मानी जाती है ये, 25 सीटें बहुत बड़ा मैंडेट दिया लोगों ने इनको, इसीलिए दिया था कि ये पक्के होंगे, इसलिए दिया था कि सर टेक ले लेते हैं। मानिक जी बताइए, आपने वादा किया सबसे बड़ा मैंडेट जम्मू संभाग में आपको मिला, तो उसके बाद भाजपा ने क्या किया? यही सवाल है। इनिशिएट हुआ, कोलिशन गिर गई। सर कोलिशन आपने गिराई, आपने खुद गिराई, नहीं गिराई वो बात करो, क्या भक्ति लाएगी जब भी, चाहे हमारा कोलिशन में पार्टनर हो या जो भी हो, जो भी नेशन इसमें बात नहीं करेगा आप उसके साथ। मैं आपका चलिए नेशन की एक बात आई है, एक छोटी सी बात बोलूंगा, एक मिनट दे दीजिए। मैं छोटी सी बात बोल सर, सरकारें क्यों बनाई जाती है? गवर्नमेंट बाई की पीपल, साथ की पीपल, आपकी पीपल, सरकारें क्यों? नेशन सर, नेशन क्या है? नेशन की डेफिनेशन मैं पूछना चाहता हूं, नेशन की डेफिनेशन क्या है? लोग, देश लोगों से बनता है, देश पत्थरों से नहीं बनता है। जब लोग ही आपके पास आएंगे, आप नेशन, हमसे बड़ा देशभक्त क्यों हो सकता है? भूखे रह के हमारे साथी लोगों को पानी पिलाया है, लाठियां खा के हमने खुशी दी है, हम तो बहुत नेशन बन गया, नेशन बहुत नेशन होगा। ये बात होगी, आई एम नॉट मेकिंग अ कमेंट अपॉन द देशभक्ति ऑफ एनीवन। आप जानबूझ, हर कोई देशभक्त है, जानबूझ के इस टॉपिक को डिविएट कर रहे हैं। मेरा सिंपल गोल, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं देशभक्त की बात कर रहे हैं, हम देश के हक में, भारत माता की जय में बोल रहा हूं, हम देशभक्त हैं, लेकिन हमें रोटी चाहिए। बच्चों को पढ़ाई कोविड में कहां से ऑनलाइन पढ़ाना है, कहां से हमने मुझे ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है? हमारे साथ सैलरी नहीं है, 6,000 में कौन सी आपकी? रुकिए एक मिनट, एक मिनट रुकिए सर, एक एक करके बोलेंगे, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा, यहाँ पे मजाक बन जाएगा। साहिल जी का टेक लेंगे, उसके बाद एक एक करके बोलेंगे सर। जरूरी आज इशू क्या है कि हमारे डेली वेजर भाई बहन पक्के हों, यही मेन इशू है जी। आज मौजूदा सरकार सेंटर में भाजपा की है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भाजपा का है, और मेरे भाई ने अभी जैसे बोला कि देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ये, जब मरहूम मुफ्ती साहब और भाजपा की सरकार जब पावर में आती है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री, कद्दावन लीडर हमारे अमित शाह साहब, वो बैठे होते हैं, तो मरहूम मुफ्ती साहब स्टेज से क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि हम शुक्रगुजार हैं पाकिस्तान का, जिन्होंने ये चुनाव बड़े अच्छे तरीके से लड़े। भाजपा के नेता सेंटर में बैठे हुए, टेबल पे बैठे, तब कहा आपका भारत पार्टी वाला प्यार? साहिल जी एक मिनट, मानिक जी से पूछते हैं ना, मानिक जी क्या मसला है ये सारा? तब कहा था प्यार देश के लिए, जो बोलते थे हम 56 इंच का सीना एक 10 काटेंगे, बिरयानी आप खाओ, सब डिसीजन आप बड़ी निष्पक्षता से ले सकते हो, तो जो आखिर डिसीजन है डेली वेजर का, वो क्यों नहीं ले रहे? साहिल जी डेली वेजर पे बात करते हैं, मैं वही बता रहा हूँ ना, आप ये चीजें कर सकते हो, बट डेली वेजर को उनका हक नहीं दे सकते। ठीक है, आपके घर की पानी साफ करें, आपकी नालियां साफ करें, आपके कपड़े उठाएं, आपके कागज लेके दौड़े दफ्तरों में, आपको मानिक जी का टेक लेते हैं, फिर तनवीर जी से बात करेंगे। सबसे आसान डेमोक्रेसी में जो काम है ना, वो है तकरीरें करना। आप कहते हैं ना उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद साहब ने ये बोला था, और डेमोक्रेसी की देर आर सर्टेन लिमिटेशंस, अपनी ईगो को पीछे रखते हुए, अपने आत्मसम्मान को भी कभी कभी पीछे रखते हुए लोगों के बारे में सोचना पड़ता है, और उस टाइम वो किया। लेकिन जब पानी सर से ऊपर हो गया, देन वी मेड अ डिसीजन कि नहीं, हमें अब इस चीज में, हम लोग इस कॉलिशन में रहते हुए ये, मतलब लेकिन अभी जो हमारा मुद्दा है डेली वेजेस का, मैं उसी में बात जी। आप चुनाव पे जाओगे आप ऐसे लोगों को ये वोट मांगोगे? आप बस चुनाव की बात सोच रहे हैं, डेली वेजेस के लिए आप क्या बोलोगे? मतलब आप फिर लोगों के पास जाओगे, जैसे 2014 में बोला था हमारी सरकार बनाओ हम पक्का करेंगे, 3 साल आपके नेताओं ने 3 साल के अंदर अंदर एक आदमी बना देते, आपके भाई अपने देश में आम आदमी पार्टी के हैं, ये एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं, इनको पता है क्या हाल है, लाठियां जब मारती है सरकार। आप बस अपने आप को चुनावों तक कंफाइन करके रह लो, और ये चीज आप कर रहे हैं, हमने तो किया ही नहीं ना, हमने वोट मांगे थे इस चीज के लिए, हमारा रोड मैप था, आजाद हमने बनाया, लोग लाइन में लगाए, आज आके 2014 में आप आ गए, और जो लाइन में लगे हो वो लोग हमारे तो नहीं, पार्टी के लोग
तो नहीं ना है साहिल, सवाल पूछता हूँ साहिल जी, एक एक करके सबसे बात करेंगे। साहिल जी आपसे एक सवाल करता हूँ, आप तो सबसे बड़ी ऑपोजिशन है, आप लोग ऐसा क्यों लगता है कि आप लोग भी सिर्फ मजाक में, आप लोग सर कमाल करते हैं। जब भाजपा करती थी ना, जब भाजपा प्रोटेस्ट किया करती थी, एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया करती थी, मानते हैं मानते, आप लोगों को तो लगता है आप लोग तो मजाक मजाक। हमारे अध्यक्ष उदय भानु चीफ जी की अध्यक्षता में जितना शाना बिशाना हम डेली बेसिस के बाद खड़े हैं, हमारे भला का आप प्रोटेस्ट देखिए वीडियो पे, जम्मू तभी पुल पे जाके कैसे साफ के अंदर डाला, लाठी किसने चली, हमारे मीर साहब जो पार्टी अध्यक्ष है उनको धक्का किसने मारा, वीडियो देखिए। हम मानते हैं, हम मानते हैं, हमने लोगों के टाइम पे बेस्ट से काम नहीं होगा, जिसने प्रोटेस्ट किया उसमें जाएंगे। अब मैं सिर्फ स्पष्ट आपको एक बात करना चाहता हूं जी, बताइए कि आम आदमी पार्टी पंजाब में बनते ही 35,000 का फैसला किया, 35,000 का फैसला किया, और जम्मू कश्मीर में एक बात सुनिए, सरकार बनते ही पंजाब के अंदर 35,000 का फैसला किया, आज 300 बिजली का ऐलान कर दिया, और जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही फैसला होगा, और जब तक फैसला नहीं होगा तब तक हम लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। तरवीर हुसैन संघर्ष से इतना बड़ी जगह है, तरवीर हुसैन को किसी ने पैराशूट से हम नहीं लगाया, हम संघर्ष करेंगे, हम लड़ेंगे, और जम्मू कश्मीर में एक नई क्रांति हमारे दिन में दिखेगी, क्योंकि तनवीर हुसैन को किसी ने यहां पे प्रोजेक्ट नहीं किया। अगर तनवीर हुसैन ने जॉब छोड़ी है, यहां के सिस्टम को देख के, यहां पॉलिटिकल जो सिस्टम रहा है उसको देखते हुए, अगर लड़ाई को लड़ना है तो पानी में उतरना पड़ेगा, हमने फैसला किया है, और जम्मू कश्मीर के कैजुअल लेबर्स के लिए, डेलीजेंस के लिए, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लड़ेंगे, और अगर उसके बाद इंसाफ नहीं मिला तो असेंबली में जाके उनकी पॉलिसीज बनाएंगे, उनकी पॉलिसीज को लड़ेंगे। लेकिन जो ये कहते हैं, ये हम देशभक्त हैं, देशभक्त हमसे बड़ा के कोई नहीं है, हमने लोगों को पानी पिलाया है, हमने डंडे खा के लोगों को बिजली दी है, और सब लोग, इसलिए देश यूएस के लोगों से बनता है, पत्रों से नहीं बनता। ये क्या पता भाजपा ने भी किया हो, लोगों को पानी तो भाजपा ने भी पिलाया। ठीक है, मानिक जी का टेक ले लेते हैं इस पे। आपने कहा कि आपने ऐलान किया है, आप ऐलान करते हैं हमने आगाज किया है 12,000 डेली वेजेस, कौन से 12,000 और 12,000 सिर्फ ऐलान हुआ है, कहीं और करोड़ रुपए नहीं है, और जब आप होगी उसके बाद लगाया जाएगा। एक एक करके बोलेंगे। देखिए मैं कह रहा हूं, आज तक ऐसा कोई भी प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ था, एक प्रोसेस इनिशिएट हुआ है, इसको हम कंक्लूसिव एंड तक लेके जाएंगे। सर कब लिया जाएगा? बात यह है, 2015 में डेली वेजेस को लगाने की मुहिम भाजपा के रखते में बंद की गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनह्यूमन एटीट्यूड था कि आपने अपने फायदे के लिए उनको लगा लिया। किसने सर? सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने। आप नाम लीजिए सर सक्सेसिव गवर्नमेंट का। कौन कौन? 96 से लेकर चलते रहे हैं 2008 तक। ठीक है, आपने भी तो लगाया है सर, रैबिते जंगा रैबिते खेल, कितने लोग 2015 के बाद बने। इन्होंने पता क्या लगाया? पता क्या लगाया? 3 महीने के लिए बुलाया कोविड वॉरियर को, बोला 3 से 6 महीने आपको डालेंगे, काम ले लिया 1.5 साल का, आज वो भी बेचारा जिसने दिन रात एक की थी लोगों को बचाने के लिए, आज वो भी लाठियां खा रहे हैं। ये काम किए जी आज सर, ये काम किया। कोविड के टाइम पे जिस टाइम इतनी शॉर्टेज पड़ रही थी, वी डिड अवर लेवल बेस्ट, हमने हर चीज सर क्या दिया, देश आपके साथ खड़ा था, ताड़ियां भी देश बजाए, लाठियां भी देश बजाए, आपके बीजेपी नेता नचे नहीं, ये पूरी चढ़ी जावे जरा पर, एक एक करके डांस हुंदा सर जी, एक एक करके बोलेंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर सबसे ज्यादा किसी को वैक्सीन लगी है तो वो उसी सरकार ने दी है। अगर आप अभी ठीक है, हम ये नहीं कहते सरकार ने कोई, ये फर्ज बनता है सर सरकार का, बहुत बड़ी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। आज आपके बट सरकार जो सरकार का फर्ज जाने, आज आपके आगे भी बाजू पे ना है, जो सरकार बस बातें करे जनाब, जनाब मेरी बात सुनिए, कभी कांग्रेस ने कि हम कभी कांग्रेस ने टेटनस का इंजेक्शन लगा के देश के लिए नहीं मांगा, कभी कांग्रेस में पोलियो की बीमारी हुई तो उसको सियासत नहीं बनाई, आपके तो प्रधानमंत्री वैक्सीन पे भी फोटो लगा के प्रधानमंत्री का फोटो साथ लगा रहा हूं। कंक्लूजन पे आते हैं सर, कंक्लूजन पे आते हैं, मानिक जी आपसे एक सवाल पूछूंगा, मोदी जी की रैली है, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको, क्या आप मोदी जी से क्या एक्सपेक्टेशन है कि मोदी जी जम्मू में आ रहे हैं, क्या डेली वेजरों को कोई तोहफा देकर जाएंगे या नहीं? मोदी जी जम्मू में आ रहे हैं, लाजे परिप्रेक्ष्य में हर एक जो समुदाय है, हर एक जो ग्रुप्स हैं कोई लोगों के, चाहे वो डेली वेजर हो चाहे जिस भी, उसके सबका ध्यान रखा जाएगा, हम सबका साथ और सबके विकास की बात करते हैं,
हम इसी ये चीज बोल सर, सबसे बड़ा सवाल फिर यही आ जाता है ना, कब ध्यान रखा जाएगा सर? 61,000 लोगों की जिंदगियों का सवाल है, उनके बच्चों की पढ़ाई का सवाल है, उनकी बेटे की बच्चों की शादियों का सवाल है सर। ये कागज पत्र 61,000 है मंत्री जी, यहाँ पे भगवती नगर में आए, उन्हें वहां पब्लिक रैली में आके कहा कि हमने मिनिमम वेज एक्ट को लागू कर दिया गया, और रोड में कहीं मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, या तो एडमिनिस्ट्रेशन और सेंटर के आपको लीडरशिप पे तालमेल नहीं है, या तो जम्मू कश्मीर को बेवकूफ बना रहा है। लेकिन इस पर ऐसा नहीं होगा, 7,000 है, बड़ी सरकार को लाने का मादा रखते हैं, और तब तक पूर्ण देंगे इस वक्त जम्मू कश्मीर में। तनवीर जी, आपसे एक सवाल पूछूं, तनवीर जी बिल्कुल पूछिए, ये आम आदमी पार्टी का नेता बोल रहा है या लोगों का डेली वेजर्स का नेता बोल रहा है? पहले जनाब मेरी बात सुनिए, मैं जम्मू कश्मीर कैडर फंड का प्रेसिडेंट आज भी हूं, मैं आम आदमी पार्टी का नेता बाद में हूं, लेकिन यहाँ पे उन लोगों का आए पहले उन लोगों ने यहां तक पहुंचाया। मेरी बात सुनिए, आप लोग अपनी राजनीतियां चमकाने के लिए के प्रधान बन जाते हैं बिल्कुल सर, राजनीति चमकाने तनवीर हुसैन जो किससे यहाँ पे पैराशूट के जरिए नहीं आया है, आप सर्च कर दीजिए, हमने एक संघर्ष किया है, हम संघर्ष से निकले हुए हैं और हम आपको वोट देंगे। आम आदमी पार्टी से जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई जा रही है, ये सुनामी जो चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर, ये सबको लपेट के हम ले जाएंगे, आप वेट कीजिए, और आप चाहते डिलीजर्स पूरी सम्मान की जिंदगी को मिलेगी। लेकिन मेरी ये बात मैं आज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप सब जिनके पास कोई नेता ही नहीं है, नीति नहीं है, रोड मैप ही नहीं है, उनके साथ बार बार आपने जो हमारे वो मैं दरख्वास्त करूंगा दोनों से एक मिनट के लिए, मेन इशू डेली वेजर्स का है। आज आम आदमी पार्टी, इन्होंने 10 बार ही बोल दिया है कि आम आदमी पार्टी सक्षम रहती है, उनको पक्का करेगी। पहली बात तो ये है जनाब कि आप जब फ्रंट के अध्यक्ष थे, बहुत अच्छी बात थी, आप लोगों के हक की बात करते थे, आज आपने लोगों के हक से बात से ज्यादा आम आदमी पार्टी की बात कर दी, पंजाब की कर दी, अरविंद केजरीवाल जी की कर दी। और यही सवाल मैं अपने भाई और अपने साथी से भी बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी सक्षम है इस वक्त, उनकी सरकार है, उनकी सरकार है। 70 साल में जिस पार्टी ने देश को बनाने का काम किया है, ये देखने का काम कर रहे हैं और ये राजनीति बना रहे हैं। चर्चा उसी करेंगे जो चर्चा में है, चर्चा में उसे चर्चा क्या करेंगे हम? आज हम अपोजिशन में रहकर नहीं ना ये सवाल आज हम ही से पूछते हैं, इसका हमें होना चाहिए। ऑपोजिशन भी कुछ स्ट्रॉन्ग नजर नहीं आ रहा। अरे क्या स्ट्रॉन्ग, आप जो चाहते हो कि लोगों को लेके लोगों को लाठियां भिजवाएं सर, भाजपा ने ये मूड बनाया है, भाजपा ने ये माहौल बनाया है कि उनके साथ जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसको तो मारेंगे मारेंगे। आज रहने तुम प्राइस को देखो, हमारे बापों से लड़कियों को चाट आके मारा, हम आए हमें बोलते आप सियासत कर रहे हो, हमने बोला हम नहीं करेंगे सियासत, आप इनका मसला हल करो, तब हमारे ऊपर केस डाल देते हैं। पत्नी कौन से कानून पैदा कर रहे हैं, ये घर बैठे बैठे कोई आरएसपी के लीडर के ऊपर केस डाल दिया, प्रोटेस्ट नहीं कर सकता सर, ये राजनीति के रखा। मानिक जी से पूछ लेते हैं सर, मानिक जी से पूछ लेते हैं, मानिक जी क्या कहेंगे? लाठियां बरसाई जाती है, विपक्ष कहता है ये जवाब दिया जाए, आप अपने डोगरा पे लाठियां क्यों डाल रहे हो? हमें छोड़ दो, आप कांग्रेस को छोड़ दो, आप लड़कियां लड़के बच्चे स्टूडेंट, पिछले 70 साल में स्टूडेंट कभी प्रोटेस्ट में नहीं आया, 10वीं और 12वीं क्लास के बोर्ड के लिए स्टूडेंट प्रोटेस्ट में आए, उन पर लाठियां। मानिक जी का टेक लेंगे सर, मानिक जी का टेक लेंगे। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी अपनी पावर एक्सीड करता तो उसमें आप भाजपा को वो लाइबल नहीं ठहरा सकते है ना सर? सर हमारे ऊपर आपके लिए तो लगाए हैं, एल जी साहब आपके हैं, एल जी साहब आपके एक सेकंड, अगर धरना चल रहा है लाठियां नहीं चलाओ तो किसी की मजा नहीं, तो लाठियां चलाए। आपके राज में सब इंस्पेक्टर बदतमीज हुए पड़े हैं, जिनको बात करने का ढंग नहीं, लड़कियों से लड़कियों को बोलते हैं तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे तो तुम काम काम कर रहे, ये मतलब आपने अपने बाप का राज बना के रखा है, फिर आप लोग क्यों बोल रहे हो कि हम काम करेंगे? साहिल जी आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं सर, मेरे साथ चलो मैं बता रहा हूं आपको। साहिल जी मानिक जी का टेक लेते हैं, मानिक जी क्या कहना चाहते हैं सुन लेते हैं ना एक बार। बात शुरू हुई थी डेली वेजर से जी, अब घुमा फिरा के मेरी एक आदत है, मैं उसी चीज को अपने आप उसी चीज पे कंसंट्रेट। बताइए सर, यही तो जानना चाहते हैं, यही तो मुद्दा है, वही मैं कह रहा हूं। डेली अगर आप जेनेसिस पे जाओगे ना किसी भी पॉइंट के, अगर हम इसी पॉलिसी को कंटिन्यू करते रहते हैं डेली वेजर्स की, एक टाइम पे ऐसा बल्क क्रिएट होता। अभी हम कह रहे हैं डेली वेजर्स को रेगुलराइज कीजिए, हम एक मुहिम के तहत उनको आस्ता आस्ता कर रहे हैं। अगर आप परमानेंट जो आप बात कर रहे हैं कि एकदम जो उन्होंने बल्क क्रिएट किया है डेली वेजर्स का, बिना उनकी उनकी उनको एक्सप्लॉइट करके, अगर हम डायरेक्ट उनको लगाते हैं तो हमने दूसरे जॉब एवेन्यूज भी देखने हैं। आज के पहले उन्होंने बस डेली वेजर्स लगाए, चाहे एसएसबी हो, पीएससी हो,
पेपर रेगुलराइज रेगुलर तरीके में दो बार अकाउंट असिस्टेंट का पेपर हो गया है। और अगर जैसे मैंने कहा मैं जेनेसिस में जाता हूँ, अगर बस एक मिनट, अगर यही एक्सरसाइज इन्होंने उस टाइम पे अपने दौर में की होती तो डेली वेजेस का बल्क नहीं होता। उसके बाद इसको वाइंड अप करेंगे सर। दलवीर जी बताइए। देखिए सर, मैं एक बात कहूंगा, मसला कैसे हल होगा इसके ऊपर हमें आना चाहिए वापस। जो आप तो कह रहे हम ही कर देंगे ऐलान करें आके, अगर वो चाहते हैं कि कुछ यहाँ की उनकी छवि रहे, यहाँ के जिस तरह से पंजाब में वाइट वॉश हुआ, जिस तरह दिल्ली में वाइट वॉश हुआ है, इस तरह से जम्मू कश्मीर से भी वाइट वॉश होगा। और आम आदमी पार्टी सम्मान के साथ हर नागरिक को जम्मू कश्मीर को जीने का हक देगी। कांग्रेस की कोई डिस्कस नहीं, कांग्रेस का डिस्कस नहीं आ रही है, इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करेंगे। हम लड़ेंगे सर, होगा कि अब कब डेली वेजेस के मसले हल होते हैं। तमाम नेता यहां पर बहस कर रहे थे, उन्होंने ये बताया, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि कब उस डेली वेजर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएंगे, कब उनके बच्चों की अच्छी सी शादियां हो पाएंगी और वो अपनी सुख चैन की जिंदगियां जी पाएंगे। हमारे लिए वो हर दिन एक मेहनत करते हैं, हर काम करते हैं, देखना यह होगा कब। क्या प्रधानमंत्री जी आप जब जम्मू में आते हैं क्या उस पर कोई संज्ञान लेकर उस पर कोई निर्णय भी लेते हैं। देखते रहिए टीवी नेशन न्यूज।